हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और गैजेट्स यूज़ के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा एप्पल के चार डिवाइसेस के बारे में जो कि इंडिया में लॉन्च हो गए, और इनकी पूरी डिटेल मैं आपको देने वाला हूं। ये भी बताने वाला हूं कि क्या आपको अपग्रेड करना चाहिए, क्या आपको पुराने आईपैड लेने चाहिए, क्योंकि नए आईपैड आने के बाद पुराने आईपैड कई बार सस्ते होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं एक एक करके सभी डिवाइसेस के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस तरह के और वीडियोज़ के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एप्पल की नई वॉच के बारे में। एप्पल की वॉच सीरीज 6 जो है लॉन्च हो गई है, और इंडिया में इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 40,000 के आसपास है। सभी प्रोडक्ट की प्राइसिंग और लिंक वगैरह जो है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। तो ये वॉच जो है सीरीज 6 वाली वॉच है, इसमें आपको नया चिपसेट जो है S6 चिपसेट मिल रहा है। इसमें आपको नया जो फीचर मिलता है वो हार्ट रेट के अलावा एक और है, और वो ये है कि अब आप ऑक्सीजन जो है ब्लड ऑक्सीजन लेवल मेजर कर सकते हैं। जी हाँ, कोविड के टाइम पे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो जाएगी इस तरह की वॉच में। तो ये एप्पल की तरफ से पहली बार हुआ है कि उन्होंने वॉच के अंदर ये फीचर भी दे दिया है। तो आपका ब्लड ऑक्सीजन लेवल आप मेजर कर सकते हैं इस वॉच में। कुछ कुछ अलग तरह के जो बैंड्स हैं वो काफ़ी इसकी लुक एंड फील को अट्रैक्टिव बनाते हैं। मल्टीपल अलग अलग कलर्स में आपको ये वॉच मिल जाएगी, और यहाँ पे तीन वॉच हैं एप्पल की तरफ से। एक है एप्पल वॉच सीरीज 6, दूसरी है एप्पल वॉच SE जो कि सस्ती है, तकरीबन 30,000 रुपए की है, और आप इसे ले सकते हैं। ये बिल्कुल लेटेस्ट जनरेशन वाली है। इसमें नया प्रोसेसर मिल रहा है, एप्पल का S5 प्रोसेसर इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, और इसका जो डिस्प्ले है वो अगेन बढ़िया रहेगा, लेकिन इसमें कुछ फीचर्स कम होंगे। यानी कि इसमें ब्लड ऑक्सीजन मेजर करने का फीचर नहीं है, लेकिन बाकी सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे जो कि एप्पल वॉच की लेटेस्ट डिवाइस में आपको मिलते हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पर एप्पल वॉच सीरीज 3 ऑलरेडी इंडिया में है तकरीबन 20,000 रुपये की, तो वो और थोड़ी सस्ती होगी, और मुझे लगता है कि दिवाली के आसपास आपको बहुत अच्छी ऑफर मिल जाएंगी अगर आप एप्पल वॉच सीरीज 6 के लिए नहीं, एप्पल वॉच सीरीज 3 के लिए जाते हैं। क्योंकि सीरीज 3 पुरानी जरूर है, लेकिन उसमें फंक्शनैलिटी भरपूर है, और ओवरऑल फीचर वाइज वो पूरी फीचर रिच वॉच है और बहुत अच्छी वॉच है, तो आप उसके लिए बिल्कुल ऑप्ट कर सकते हैं। इसी के साथ एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि iPad Air भी आ गया नया वाला, और iPad Air जो है डिज़ाइन में चेंज हो गया है। उसका जो टच ID है वो नीचे की तरफ जाने की बजाय साइड पर चला गया है, तो साइड में एक बटन आपको टच ID की तरफ मिल जाता है, और वो बिल्कुल iPad Pro जैसे दिख रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हालांकि उसकी स्टार्टिंग प्राइस तकरीबन 54,000 रुपीज़ है। तो iPad Air एक ऐसा प्रीमियम टैबलेट है जो कि आप ले सकते हैं, और Apple Pencil किसी भी iPad के साथ आपको मिलेगी नहीं, वो आपको अलग से खरीदनी होगी तकरीबन 8,000 से 10,000 रुपए की। अब बात करें एक और नए iPad की, तो वो है iPad 7 जनरेशन का अपग्रेड। iPad 8 जनरेशन आ गया है, तो लुक एंड फील में तो 8 जनरेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसे Apple का iPad 7 जनरेशन का है, तो लुक एंड फील वैसी है। टच आईडी भी वहाँ पे दिया गया है, लेकिन इसमें प्रोसेसर का अपग्रेड आपको मिल गया है, डिस्प्ले और बेहतर हो गया, और डिस्प्ले की स्क्रीन जो है और सेंसिटिव भी हो गई है, और साथ ही साथ इसकी जो डिज़ाइन है वो थोड़ा और रिफाइंड लग रहा है। साइड से एजेस पे और पीछे की तरफ आपको फिनिशिंग में अलग अलग तरह के कलर जैसे गोल्ड, सिल्वर वगैरह और ग्रे कलर भी मिल जाता है। तो देखा जाए तो एप्पल का iPad 7 जनरेशन जो कि तकरीबन 30,000 रुपये का आता है वो आपको मिल जाएगा। अब उसी प्राइस में आपको 8 जनरेशन मिल जाएगा, और 30,000 के अंदर सिर्फ आपको iPad ही मिलेगा। उसका जो पेन है एप्पल पेंसिल तकरीबन 8,000 रुपये का, वो आपको अलग से खरीदना होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। और एक और चीज़, 30,000 रुपये के अंदर एप्पल iPad जो है आपका है वो 32 GB स्टोरेज के साथ आता है, तो स्टोरेज वहाँ पे लिमिटेड है, और उस केस में वहाँ पे SD कार्ड वगैरह आप लगा नहीं सकते। तो iPad वगैरह अगर आप लें तो सोच समझ के लेना, क्योंकि मार्केट में अगर आप iPad जैसा कोई डिवाइस लेने जा रहे हैं, टैबलेट लेने जा रहे हैं, तो सैमसंग की तरफ से सैमसंग का टैब S6 लाइट बेहतर ऑप्शन हो सकता है उसी प्राइस पॉइंट पे। उसमें आपको S पेन भी मिलता है, हालांकि उसमें जो डिस्प्ले है वो आपको बिल्कुल वो AMOLED टाइप का नहीं मिलेगा, OLED नहीं मिलेगा, उसमें IPS LCD डिस्प्ले मिलेगा। रैम मैनेजमेंट का थोड़ा इशू रहेगा, लेकिन ओवरऑल फंक्शनैलिटी वाइज वो टैबलेट बिल्कुल बढ़िया है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। नया जनरेशन है iPad Air, उसमें आपको USB-C पोर्ट मिल रहा है, यानी कि एक तरह से हिंट है कि इसके अंदर आपको USB-C पोर्ट मिल गया, तो अब iPhone 12 में भी सी पोर्ट मिल सकता है, जो कि एक बड़ी बात होगी, और उसकी वजह से कनेक्टिविटी के सारे इश्यूज खत्म हो जाएंगे। आप अपने एंड्रॉयड फोन की केबल भी यूज कर पाएंगे अपने आईफोन के साथ, लेकिन वो जो भी होगा वो पता चलेगा अक्टूबर में, क्योंकि आईफोन 12 का जो है लॉन्च डिले हो गया है, और उसी वजह से जो है आईफोन 12 आज लॉन्च नहीं हो पाया। नॉर्मली तो हमेशा सितंबर में होता था, लेकिन कोविड की वजह से सब कुछ डिले चल रहा है, तो ऐसे में आईफोन 12 आपको अक्टूबर में मिलेगा, और तभी आपको जो है सेल में आएगा। आई थिंक दिवाली से पहले आ ही जाएगा, इतना तो पक्का है। एक और बात जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है कि नया प्रोसेसर जो है एप्पल की तरफ से वो आ गया है, और वो iPad Air में अभी आपको देखने को मिल रहा है, वो है एप्पल का A14 बायोनिक चिप, जो कि 5 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर है। ये पहला प्रोसेसर है 5 नैनोमीटर वाला जो कि अनाउंस हो चुका है, और ये प्रॉपर आपको मिलेगा। बहुत ही हाई एंड प्रोसेसर है, 11 ट्रिलियन की ट्रांजेक्शन्स इसमें हो सकती हैं, बेसिकली इसमें ऑपरेशन हो सकते हैं, और साथ ही साथ 11 पॉइंट समथिंग बिलियन
ट्रांजिस्टर इस पर लगे हुए हैं, बहुत ही हाईली एफिशिएंट वाला सीपीयू होने वाला है जो कि एप्पल की तरफ से सबसे पहले आ गया है 5 नैनोमीटर का। और हालांकि क्वालकम भी बना रहा है लेकिन वो आपको 2021 में ही देखने को मिलेगा, लेकिन अभी एप्पल ने अपने डिवाइस में लेटेस्ट 5 नैनोमीटर वाला चिपसेट जो है दे दिया, बहुत ही हाई एंड, और यही सेम प्रोसेसर आपको आईफोन 12 में भी मिलने वाला है। तो ये थी सारे अपडेट जो कि एप्पल के डिवाइसेस के बारे में थे, बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत कुछ है, डिटेल में आपको आर्टिकल्स हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे कि आपको आईपैड एयर लेना है या फिर आईपैड का 8th जनरेशन लेना है या फिर आपको कोई और आईपैड पुराने वाला लेना है, वो सब हम आपको बताएंगे अपनी वेबसाइट पे। साथ ही साथ फीचर्स वगैरह की बात के अलावा जो वॉच है, वॉच अगर आपको लेनी है तो कौन सी वॉच लेनी है उसके बारे में भी हम आपको आर्टिकल लिख के बता देंगे। तो वो दोनों आर्टिकल के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के अंदर, तो आप जाके पढ़ लेना, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा आपको लेना चाहिए इस दिवाली पे, वॉच कौन सी लेनी चाहिए, आईपैड अगर लेना है तो वो कौन सा लेना चाहिए। तो फिलहाल इसमें इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।